उत्तराखंड के उधम सिंह नगर दिनेशपुर के वरिष्ठ एसएसआई संतोष कुमार उप्रेती एवं परिवहन विभाग के मुकुल अग्रवाल तथा कॉलेज के छात्र छात्रा एवं अन्य सामाजिक लोगों ने मिलकर सड़क सुरक्षा जागरूक रैली दिनेशपुर के खुदीराम बोस स्टेडियम से दिनेशपुर मुख्य चौराहे तक रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया कि हमें सड़क सुरक्षा नियमों का कैसे पालन करना चाहिए। जब भी हम रोड पर चलते हैं, हेलमेट पहने, चार पहिया वाहन पर चलते हैं तो सीट बेल्ट का प्रयोग करें एवं ग्रीन व रेड लाइट के सिग्नल को ध्यान में रखें और सावधानी पूर्वक सड़क पार करें। कॉलेज की छात्राओं द्वारा दिनेशपुर के मुख्य चौराहे पर एक नुक्कड़ नाटक करके आम जनता को सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूक किया गया। सुरक्षा माह चल रहा है और इसके अंतर्गत जो है थाना दिनेशपुर ने द्रोण कॉलेज के साथ मिलकर एक रैली का आयोजन किया ताकि जनता को जागरूक किया जा सके और ये ट्रैफिक के नियमों के संबंध में जागरूकता एक फैलाई जा सके। और मैं बताना चाहूँगा, ये अब समय आ गया है कि इसमें एक सामाजिक भागीदारी की जरूरत है और इसी को देखते हुए हमारे उच्च अधिकारियों के निर्देशन के साथ और ये इसका एक आयोजन किया गया है कि आपके सामने। हर कॉलेज स्कूल में जा रहे हैं, बच्चों को जागरूक कर रहे हैं, लेकिन फिर नाबालिग गाड़ी चला रहा है, आयोजन दुर्घटना भी हो रहा है। जैसा मैंने बताया सर, ये जो है एक हमें फिर से एक संकल्पबद्ध होके जो है एक सामाजिक प्रयास की जरूरत है इन चीज़ों के लिए। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों के माध्यम से इसमें लोग जुड़ें और ये एक अपनी भागीदारी समझते हुए और समाज की जो सामाजिक प्रॉब्लम है और इस तरह का जो एक चीज़ें हैं उस पर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए आगे बढ़े और प्रयास करें जागरूक करने का लोगों को। सर, एक नाबालिग बच्चे से अगर कोई दुर्घटना किसी मौत होती है तो फिलहाल क्या कानून व्यवस्था है? देखिए, कानून के उसमें अगर कानूनी, पहली बात तो कानूनी तौर पे नाबालिग कभी गाड़ी चला नहीं सकता है। तो यदि अगर ऐसा होता है, नाबालिग कभी पकड़ा जाता है गाड़ी चलाते हुए, तो उसके अभिभावक पर मुकदमा दर्ज होता है, मीन्स उस पर कार्रवाई होती है। तो इस चीज़ को हमने अपने जागरूकता अभियानों में भी बताया है और ये ज़रूरत है कि हम इसको फिर से लोगों तक इस बात को पहुंचाएं और आपके माध्यम से ये बात अगर पहुंचे तो खुशी होगी हमें। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।